कहीं मेरी रेकी जो बार बार हो रही है मेरी हत्या की नियत से। कौन किसको धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है? हम तो विकास के काम में लगे हुए हैं, आज भी पटना गए थे विकास के काम। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बड़े से बड़े अफसर लगा के इनके भी सारे इतिहास को खंगाल ले। कि कोई बॉडीगार्ड के लिए भी ये सब काम करता है, पहले बॉडीगार्ड था और बॉडीगार्ड काहे ले लिया गया हमको नहीं मालूम। हम आग्रह करेंगे उसमें इनका हाथ तो नहीं है। और इनके सागिर देवेंद्र चाचान, उदमपुर चाचान जी के विषय में सभी लोग बखूबी जानते हैं। चिट्ठी भी लिखेंगे एसपी साहब की, 3-4 सेक्शन फोर्स जो है उनको घर पर, दुकान पर और उनके व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि उनका असली प्रॉब्लम यही बॉडीगार्ड का मामला है। हमसे तो कोई बातचीत होती ही नहीं, बातचीत है ही नहीं। मुजफ्फरपुर नगर से कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी पर राजद नेता ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए राजद नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित पुलिस के कई वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 के वार्ड पार्षद, युवा राजद के प्रदेश महासचिव संजय उर्फ संजू केजरीवाल ने मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखे गए आवेदन उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या कभी भी कराई जा सकती है, उनकी हत्या की साजिश कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी रच रहे हैं। कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी और उनके सहयोगी मारवाड़ी समाज के नेता कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डंपू चचान के नाम का भी जिक्र लेटर में किया गया है। आप लोग सभी को ज्ञात है कि निगम की राजनीति में 2002 से आदरणीय नगर विधायक अपना वर्चस्व, अपना अधिपत्य, अपना साम्राज्य बनाते रहे हैं और जहां उनके साम्राज्य में कोई कमी महसूस होती है वे उसके खिलाफ हो जाते हैं। 2022 में, जिस समय 21 में जिस समय नंदू बाबू महापौर का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आदरणीय बीरेंद्र चौधरी जी के कैंडिडेट थे राकेश कुमार पिंटू जी और हम लोग नंदू जी के लिए लगे हुए थे। उस समय भी मेरे घर की रेकी हुई, लेकिन मुझे नहीं इस बात का एहसास हुआ कि क्या सामाजिक जीवन में, लोकतांत्रिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में क्या कोई इस तरीके की भी गंदी हरकत कर सकता है। फिर नवंबर 2022 में भी हरचंदा से लौटते समय मेरी गाड़ी का पीछा किया गया था। अभी 25 अप्रैल को मैं जब लौट रहा था तेगरा अपने नाना जी के श्राद्ध के कार्यक्रम से, उस समय भी मेरे साथ सुनील बंका जी, मनोज केजरीवाल जी मेरे साथ गाड़ी में थे। उस समय भी मेरी गाड़ी का पीछा 10 किलोमीटर तक किया गया और स्पष्ट हाथ में वेपन्स पीछे दो सवार के नजर आ रहे थे। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिना मारना ऊपर वाले के हाथ में। इधर राजनीतिक समीकरण ये है कि निगम में हम लोग कुछ पार्षद मिलके एक अपना संगठन बनाए कि सभी वार्डों में समान विकास के रूप में काम होना चाहिए और महापौर हमारे लिए सम्मानित है, नगर विधायक हमारे लिए सम्मानित है। लेकिन इस बात से आदरणीय नगर विधायक जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और वो कई पार्षदों के यहाँ जाके संजय केजरीवाल मेरा दुश्मन नंबर एक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप उसका साथ दीजिएगा तो आप दुश्मन नंबर दो के श्रेणी में आ जाइएगा। वो 2025 की तैयारी कर रहा है और पूर्व में भी जो भी मेरे खिलाफ कभी विधायक की तैयारी किया था उसका भी लोग कहानी जानते हैं। तो जब ये सारी बातें पता चली तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि कहीं मेरी रेकी जो बार बार हो रही है मेरी हत्या की नियत से, उसमें इनका हाथ तो नहीं है। और इनके सागिर देवेंद्र चाचान, उदमपुर चाचान जी के विषय में सभी लोग बखूबी जानते हैं। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बड़े से बड़े अफसर लगा के इनके भी सारे इतिहास को खंगाल ले, जब से ये सामाजिक जीवन में आए हैं, और मेरे भी इतिहास को खंगाल ले। अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा दे, नहीं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी सरकार से, आपके माध्यम से एक ही मांग है कि हर हालत में इस जो 3-3 घटनाक्रम हुआ है
इसकी साजिश के पीछे कौन है, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए और मैं किस रूप में उनका दुश्मन नंबर एक हूं यह मुझे पता चलना चाहिए। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय डीजीपी सर, अपर पुलिस महानिदेशक सर, डीएम सर अपने मुजफ्फरपुर के, एसएसपी सर, आईजी साहब, डीएसपी टाउन, एसडीओ पूर्वी नगर थाना, सभी को मैंने सूचना दे दी है। जैसे आरोप लगा है तो हम तो उसका नोटिस नहीं ले रहे हैं, प्रशासन को दिया है पिटीशन, तो अच्छे से जांच प्रशासन कर ले, कौन किसको धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है। हम तो विकास के काम में लगे हुए हैं, आज भी पटना गए थे विकास के काम के लिए, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिले हैं, वो सारा काम भी करवाए हैं, तो हम काम में लगे हुए हैं, हम इस पचरे से नगर निगम के पचरे से नहीं जाने वाले हैं। यह बात सही है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग बोर्ड की बैठक नहीं होने देना चाहते थे, एक पार्षद के साथ जो घटना घटी थी उसके कारण, उसके पहले वाले बैठक में बजट नहीं पास करना चाहते थे, फिर हमने दबाव देके सब लोगों को कहा कि नहीं बजट पास नहीं होगा तो काम रुक जाएगा, काम में दिक्कत हो जाएगी, तो वो काम हो गया। तो बहुत लोगों के यहाँ वार्ड पार्षद लोग जा नहीं रहे हैं, उनको उनका नेतागिरी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बॉडीगार्ड के लिए भी ये सब काम करता है, पहले बॉडीगार्ड था और बॉडीगार्ड काहे ले लिया गया हमको नहीं मालूम। फिर हम आग्रह करेंगे प्रशासन से, चिट्ठी भी लिखेंगे एसपी साहब की, कि 3-4 सेक्शन फोर्स जो है उनको घर पर दुकान पर और उनके साथ रहने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि उनका असली प्रॉब्लम यही बॉडीगार्ड का मामला है, हमसे तो कोई बातचीत होती ही नहीं, बातचीत है ही नहीं, इसलिए कोई टेलीफोन भी हमारा आना जाना नहीं हुआ है। तो इसलिए अब जो जिसके मन में आता है उसकी जांच प्रशासन करेगी, हम लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है, हम काम में लगे हुए हैं, बरसात में पानी नहीं जमे, लोगों को दिक्कत नहीं हो, इस काम में लगे हुए हैं, सफलता भी मिल रही है, काफ़ी जगहों पर काम चल रहा है, सारे शहर के हर वार्ड में इलाके में काम चल रहा है और चलता रहेगा। और पीडब्ल्यूडी भी कुछ रोडों को टेकअप किया, आज हम प्रत्यामरी से मिले हैं पटना में, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है और कई महत्वपूर्ण सड़कों को लेने का वादा किया है। तो हम लोग काम में लगे हुए हैं, काम से बाधा हम नहीं देना चाहते, हम उसका प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो इस तरह का काम है तो प्रशासन को जांच करना चाहिए, जांच करके जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद।